अदाकारा से नेता बनी और अपने बेबाक अंदाज से आज राजनीति गलियारों में विपक्ष का मुंह बंद कर देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हर कोई जानता है। स्मृति ईरानी का नाम उन राजनेताओं में शामिल है जो बिना डर अपनी बात को बेबाकी से मीडिया हो या फिर जनता के बीच में रखती है। मंत्री पद को संभालने के बाद उन पर डिग्री के आरोप लगे हैं। बता दें, स्मृति ईरानी मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच एक अनुभवहीन, लेकिन इसके बावजूद भी उनको भारी भरकम मंत्रालय सौंपे गए, जैसे एचआरडी मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग और अब कपड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया है। वहीं एक महिला होकर एक नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध पर स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध दी थी, उसको लेकर के विवादों में खड़ी थी। लेकिन वही सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के जितने समर्थक हैं उससे ज्यादा विरोधी भी हैं। आपको बता दें, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को अपशब्द कहा। इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद में स्मृति ईरानी निशाने पर आई थी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक को लेकर भी एचआरडी मंत्रालय सक्रिय हुआ था। इस पर भी एचआरडी मंत्री निशाने पर आई थी। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।